हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीएसआई स्टडी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय सेलेन। आज के इस लेक्चर में हम एक नई सीरीज जो कि जीएस जनरल स्टडी का एक नया टॉपिक भारत के प्रमुख मंदिर के साथ मिलेंगे। ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट, जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक एसएससी स्टेट, जो पीएससी होते हैं, एसआई होता है जो स्टेट का, चाहे वो एमपीएसआई हो, यूपीएसआई हो, इवन पटवारी हो, और रेलवे, इवन रेलवे में भी काफी एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि जो स्टेट, जो भी बोर्ड जो पेपर कराता है उसका काफी फेवरेट टॉपिक रहता है मंदिर का, चाहे वो इवन किसी भी स्टेट से एक मंदिर को रख ही देते हैं। स्टूडेंट को मोस्टली कंफ्यूजन रहता ही है, क्योंकि मोस्टली हम किसी जो मंदिरों पर घूम नहीं पाते, काफी मंदिरों पर जिस पे हम विजिट कर लेते हैं उसको तैयार रख लेते हैं, लेकिन काफी मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे हम मतलब घूम जाए तो याद रह सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम याद रखेंगे, मतलब देखेंगे कौन कौन से मंदिर, क्या नाम है उनका और क्या महत्वता है उनकी, और मतलब उनकी लोकेशन कहाँ पर है, किस राज्य में पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य मंदिर। वैसे तो सूर्य मंदिर मतलब आपका काफी स्टेट में है, लेकिन जो कोणार्क, जो उड़ीसा राज्य में है, पुरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कोणार्क, उसका जो सूर्य मंदिर है काफी फेमस है। यहाँ पे जो सूर्य भगवान की जो प्रतिमा बनी हुई, काफी अच्छी मतलब भव्य मूर्ति है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर सबसे, जो सूर्य मंदिर है उनमें से काफी इम्पोर्टेंट है। ओके, वैसे सूर्य मंदिर आपको मध्य प्रदेश और जो बिहार काफी जगह मिल जाएंगे, लेकिन कोणार्क का सूर्य मंदिर याद रखना। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सोमनाथ मंदिर। तो सोमनाथ जो मंदिर है वो सौराष्ट्र में पड़ता है, सौराष्ट्र जो कि गुजरात स्टेट में है। ओके, और यहाँ पे सोमनाथ में क्या है, सोमनाथ में जो महाशिवरात्रि होती है, महाशिवरात्रि में एक उत्सव, महाशिवरात्रि उत्सव लगता है, काफी देखने लायक उत्सव है सोमनाथ मंदिर में। सोमनाथ जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, भगवान शिव की यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों की मूर्ति है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर पंजाब में है, स्वर्ण मंदिर जिसको गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो स्वर्ण मंदिर है एक गुरुद्वारा है, जो कि हर मंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ गुरु, जो सिखों के गुरु थे, हर मंदिर साहिब उनके नाम से भी इसे जाना जाता है। तो स्वर्ण मंदिर के दो नेम निकल के आ गए, एक तो गोल्डन टेम्पल और जो हर मंदिर साहिब। ओके, तो याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं सांची स्तूप। तो सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ पे जो कि बौद्ध धर्म का, जब सम्राट अशोक थे, जो सम्राट अशोक थे उनको कलिंग युद्ध जो उन्होंने लड़ा था उसको भयंकर नरसंहार हुआ था। उस नरसंहार को देखकर तो अशोक ने डिसाइड किया कि वो, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, उस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने सांची में भगवान बौद्ध की मतलब मूर्तियां बनवाई थी। तो इसीलिए सांची का जो स्तूप है वो के राजस्थान में पड़ता है, बौद्ध धर्म के लिए, जो यूनेस्को धरोहर में भी आता है। हाँ, एक और बात, जो सूर्य मंदिर है यूनेस्को क्या होता है, जो कि अपने फेमस चीजें उनको मतलब उनकी देखरेख करता है, तो यूनेस्को में सूर्य मंदिर को भी इंक्लूड किया गया है और सांची के स्तूप को भी इंक्लूड किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिद्धि विनायक मंदिर। सिद्धि विनायक मंदिर जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है, सिद्धि विनायक जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, सिद्धि विनायक कौन होते, कौन से भगवान है सिद्धि विनायक, तो सिद्धि विनायक जो भगवान है, भगवान गणेश जी हैं। सिद्धि, भगवान गणेश की दो पत्नियां थी, रिद्धि और सिद्धि, तो सिद्धि के जो पत्नी थी सिद्धि, उसके नाम से ही सिद्धि विनायक मंदिर पड़ गया मुंबई जो कि महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरई, बहुत ही फेमस मंदिर है ये। यहाँ पर क्या है, जो कि भगवान शिव और पार्वती दोनों की मूर्ति बनी हुई है, बहुत और भी भगवान की मूर्ति है, लेकिन पार्वती और भगवान शिव की जो मूर्ति है काफी फेमस है। और ये मदुरई कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। ओके, और यहाँ इस मंदिर की एक खास बात है, ये द्रविड़ कला शैली में बना हुआ है। मोस्टली जो यहाँ के जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में मोस्टली आपको मिल ही जाएंगे। तो उनमें से एक दो द्रविड़ कला शैली के एक मंदिर का अगर एग्जांपल की बात करें तो मीनाक्षी मंदिर का अक्सर एग्जांपल दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर।
जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, काशी विश्वनाथ। ये कि भगवान शिव की यहाँ पे मूर्ति है। और यहाँ एक और बात बोली मानी जाती है कि यहाँ पर जो गंगा स्नान बहुत ही पवित्र है। मतलब गंगा यहाँ ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो गंगा स्नान कर लेता है वो अपने आप को पवित्र माने लेता है। ओके, तो काशी विश्वनाथ वाराणसी में पड़ता है जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खजुराहो मंदिर। खजुराहो जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के जो स्टेट है उसमें छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है खजुराहो मंदिर। खजुराहो को पर्टिकुलर कोई मंदिर नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे। जिसमें से अगर बात करें कंदरिया महादेव काफी फेमस मंदिर है, लक्ष्मी मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं। इवन एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि खजुराहो में कितने मंदिर हैं, तो लगभग 80 से ऊपर बहुत मंदिर हैं। अब तो लगभग मंदिर, लेकिन पुराने बहुत मंदिर थे, अब तो लगभग मतलब खत्म से हो गए काफी मंदिर, लेकिन फिर भी बहुत सारे मंदिर हैं। तो खजुराहो कोई पर्टिकुलर मतलब मंदिर का नाम नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे। इसीलिए उनको मतलब आपकी जो अगर एमपी के कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां के पर्टिकुलर मंदिर का नाम दिया जाएगा। लेकिन अगर भारत में मतलब स्टेट जो सेंट्रल से कोई एग्जाम होता है तो वहां पे सिर्फ पूछ ले खजुराहो के मंदिर कहाँ पे पड़ता है, तो छतरपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। महाबलेश्वर मंदिर सतारा जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखना कि महाबलेश्वर और महाकालेश्वर। महाबलेश्वर जो कि मुंबई में है, महाकालेश्वर उज्जैन जो मध्य प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है उज्जैन में पड़ता है। महाबलेश्वर महाकालेश्वर दोनों चीजों को याद रखना, महाबलेश्वर आपका महाराष्ट्र में है और जो महाकालेश्वर है वो के उज्जैन में है, जहां पर क्या लगता है, यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है महाकालेश्वर में। ओके, याद रखिएगा उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है महाकालेश्वर, महाबलेश्वर कहाँ पड़ता है, मुंबई महाराष्ट्र में सतारा। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तिरुपति बालाजी। तिरुपति जैसा कि नाम से पड़ता है तिरुपति, लेकिन तिरुपति पड़ता कहाँ पर, तो तिरुपति पड़ता है चित्तूर जो कि आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। ओके, तिरुपति बालाजी को वेंकटेश्वर मंदिर के नाम, तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो मूर्ति जो के प्रतिमा है वो भगवान विष्णु की बहुत भव्य प्रतिमा बनी हुई है। ओके, तो यहाँ पे लगभग हमने यहाँ पे 10 जो मंदिरों की जो लिस्ट थी हमने उसको समझा, कौन सा मंदिर लगभग क्यों फेमस है, लगभग थोड़ा सा जान लिया। मोस्ट आप गूगल पे उसको सर्च करके चेक कर सकते हैं कि और भी इसकी क्या मतलब मोस्ट पॉइंट है, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने यहाँ पे सभी डिस्कस कर दिए हैं। तो इस एग्जाम इस जो लेक्चर में हमने जो मंदिर थे उनके नेम और लोकेशन कहाँ पे इनके लोकेशन है इसको समझा। तो एक बार इस लेक्चर को फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर हमने कौन कौन से मंदिर पढ़े थे। तो सबसे पहले बात करें सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उड़ीसा जो स्टेट में पड़ता है। नेक्स्ट बात करें सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात सौराष्ट्र में है। ओके, स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में पड़ता है। सांची स्तूप जो कि रायसेन मध्य प्रदेश में है। सिद्धि विनायक मंदिर जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट बात करें मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। और खजुराहो मंदिर जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र जो मुंबई में, और महाकालेश्वर कहाँ पड़ता है, उज्जैन में पड़ता है मध्य प्रदेश के। ओके, तिरुपति बालाजी पड़ता है आंध्र प्रदेश तिरुपति प्लेस पे। ओके, तो इस लेक्चर में हमने जो के जो प्रमुख मंदिर थे, काफी मंदिर रह है गए हैं, उनको हम लास्ट लेक्चर में आप तक लेके आएंगे। लेकिन इस जो यहाँ पे जो टॉपिक है और जो मंदिरों की मतलब हमारे मंदिरों के जो टॉपिक लेक्चर डिस्कस हो जाएगा, फिर इसके बाद हम कि आपके एग्जाम में कौन कौन से मंदिरों से क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, कैसे आप क्वेश्चनों को सॉल्व करें और क्या ट्रिक रहती है क्वेश्चनों को सॉल्व करने की उसको चेकआउट करेंगे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ओके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं या मतलब जो भी हमारा नया वीडियो आता है तो आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत सेंड हो जाएगा कि यहाँ पे जो मतलब इस चैनल पर नया वीडियो अपलोड हुआ है, तो आपको उसका फायदा मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।